हेलो फ्रेंड्स, और 21 जुलाई 2023 का रीसेंट अपडेट है कि नॉर्थ सेंट्रल ग्रीनलैंड का मोस्ट पार्ट ऑफ आइस यानी कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो चुके हैं, और यह सब हुआ है ड्रास्टिक इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग के चलते, जिसका रिजल्ट निकल कर आ सकता है कि सी लेवल्स बढ़ते हुए देखने को मिले। और ये एक ऐसा प्रोसेस हो सकता है कि कभी रिवर्स ही ना हो सके, यानी कि वहां से शुरुआत हुई पूरी दुनिया में हाई लेवल फ्लड्स देखने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि WMO यानी कि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने तो बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग को देख ये तक कह दिया है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स टेम्परेचर इंक्रीज रिकॉर्ड सेट करने वाले हैं। अब आपके स्क्रीन पर जो फुटेज दिख रही है ये जारी की गई है नासा के द्वारा, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज से सिर्फ एक साल पहले यानी कि 3 जून 2022 से 23 जून 2023 तक जो पैसो सबेरिनो रिजर्वायर है, जो कि मिलियंस ऑफ पीपल्स को वाटर प्रोवाइड करता है, ये सूख के कितना हो चुका है। अब आप इस ग्राफ पे नजर डालो जहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे 1995 से लेकर 2020 तक सी लेवल्स राइज कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ पे आपको 1995 से 2010 तक तो थोड़ा कंसिस्टेंट ग्राफ दिख रहा होगा, लेकिन उसके बाद ये ग्राफ ड्रास्टिकली बढ़ रहा है, जिसके बाद आप इस इमेज पे देख सकते हो कि एक तरफ ग्लेशियर्स की इमेज काफी डेंस और ज्यादा मात्रा में दिख रहे हैं, जो कि है मार्च 1985 का, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 36 सालों में ग्लेशियर्स आधी हो चुकी है। इसी तरह से आप इस ग्राफ में भी देखिए, जिसमें इंक्रीज इन CO2 ओवर द टाइम दिखाया जा रहा है और ये किस स्पीड से अर्थ में बढ़ रहा है। ये सारे नतीजे जितने भी आपने देखा ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर पेथरी टालस ने तो ये तक कह दिया है कि अगर 2023 से 2027 तक हम ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं करते हैं तब एनुअल एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री से बढ़ जाएगा, यानी कि आने वाला साल हमारे लिए हॉटेस्ट रहने वाला है, यानी कि वो सारे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स हम एक बार फिर से देखने वाले हैं जिसे अर्थ ने 1982 में देखा था। एक तरफ जहां पर फ्लड से कंट्रीज डूब रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रीम बुश फायर्स हो रहे थे, जब साउथ अमेरिका के पेरू अब तक के रिकॉर्डेड हिस्ट्री का हाईएस्ट रेनफॉल दर्ज किया था, और ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका सेम समय पर ये सारे कंट्रीज एक्सट्रीम बुश फायर्स, डस्ट स्टॉर्म्स और सूखा यानी कि ड्रॉट का शिकार हो चुके थे। वेल, शायद अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं बता दूं कि इन दोनों कैटास्ट्रोफिक इवेंट के पीछे एक ही वेदर फिनोमिना का हाथ है, और वो है एल नीनो। दरअसल नॉर्मल फेज में विंड्स वार्म एयर को अमेरिका से एशिया की तरफ लेकर जाते हैं, जिससे एशिया में बारिश और अमेरिका कोस्ट पर कोल्ड कंडीशंस बनते हैं, लेकिन कभी कभार ये विंड्स अनयूजुअली स्ट्रांग हो जाते हैं, जिसके वजह से ला नीना के कंडीशंस बनते हैं। अब विंड्स स्ट्रांग होने के वजह से इस सर्कुलेशन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इस वजह से नॉर्मल कंडीशन के मुकाबले ज्यादा वार्म एयर एशिया की तरफ बढ़ती है, और वहां पर एक्सट्रीम रेन के वजह से फ्लड्स आ जाते हैं, जबकि अमेरिकाज में कोल्ड विंड्स होने के वजह से वहां पर हद से ज्यादा सूखा पड़ जाता है। अब क्योंकि ये एक साइकिल है, तो एक समय के बाद ये एशिया की तरफ जाते हुए विंड्स कमजोर पड़ जाती है, और जिसके वजह से सर्कुलेशन टूट जाते हैं, और वार्म विंड्स अब एशिया के तरफ जाने के बजाय अमेरिका कॉन्टिनेंट्स के तरफ ही रह जाते हैं। अब सिचुएशंस उल्टा हो चुका है, यानी कि एशिया में कोल्ड एयर और अमेरिका में वार्म एयर, इस वजह से अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में तेज बारिश होती है जबकि एशिया में सूखा पड़ जाता है, और यही है एल नीनो। अब अगर आप इसे कोरिलेट करना चाहते हो तो एल नीनो ला नीना के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। अब ये एल नीनो कब तक आएगी? सो फ्रेंड्स, ये आ चुकी है। दरअसल हाल ही में आपने कई जगह पर फ्लड्स की न्यूज तो सुना ही होगा, साथ साथ बुश फायर्स भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में देखे गए थे। वहीं पर एक आर्टिकल के हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग का एंड काफी खतरनाक होने वाला है, और ये एंड होगा द आइस एज से। दरअसल ये जो गल्फ स्ट्रीम है, ये साउथ अटलांटिक ओशियन से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन तक वार्म वाटर को ले जाके उस वाटर की हीट को वहाँ के ग्लेशियर्स में रिलीज कर देता है और वापस से साउथ के ओर आ जाता है, और ये जो ओशियनिक सर्कुलेशन है ये पूरे अर्थ में देखने को मिलता है, क्योंकि इस तरह से ये टेम्परेचर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, और अगर एक जगह पर कोई चेंजेस आता है तो लगभग पूरे अर्थ में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब इस बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग को देख साइंटिस्टों को ये लग रहा है कि एक ऐसा समय आएगा जब वार्म वाटर की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे कि ओशियनिक सर्कुलेशन में डिस्टरबेंस आ जाएगा, और फिर जब गल्फ स्ट्रीम वार्म वाटर को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ले जाकर हीट रिलीज करेगा तब वहां के बर्फ मेल्ट होकर कंडेंस हो जाएंगे, जिसके बाद वहां हेवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये फ्रेश रेन वाटर की डेंसिटी सॉल्ट वाटर से कम होती है, इसलिए ये ओशियंस के ऊपर अपना एक लेयर बना देगा, और जिसके बाद वार्म वाटर की सप्लाई गल्फ स्ट्रीम के जरिए बंद पड़ जाएगी, और यहां से शुरू होगा आइस एज, क्योंकि यही सर्कुलेशन पूरी वर्ल्ड में चल रही होगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस में इसका असर दिखना शुरू भी हो गया है, जिसके वजह से यूरोप में धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी और फिर आइस एज का असर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर हम लास्ट आइस एज की बात करें तो वो करीब 2.6 मिलियन ईयर्स पहले 11,000 साल तक सस्टेन रहा था, वहीं दूसरी तरफ मेल्टेड ग्लेशियर्स अपना रिकवरी शुरू कर देंगे, और बढ़ते
ग्लेशियर सन से आने वाली हीट को रिफ्लेक्ट भी करने लगेंगे, जिसका नतीजा होगा ग्लेशियर्स पूरे वर्ल्ड में फैलने लगेंगे, क्योंकि सन से आने वाली हीट रिफ्लेक्शन के वजह से एटमॉस्फेयर में कभी ट्रैप ही नहीं हो पाएगा। अब पहले पका देने वाली गर्मी, जिसके बाद एल नीनो के वजह से फ्लड और फॉरेस्ट एंड बुश फायर्स, जिसके बाद आइस एज, ये सारा कैटास्ट्रोफिक इवेंट के पीछे सिर्फ इंसान का ही हाथ है। जिस रफ्तार से पोल्यूशन इंक्रीज हो रहे हैं और पेड़ों को काटे जा रहे हैं, आप इस इमेज में देखो, ये देखकर तो यही लग रहा है कि आने वाले 10 से 20 सालों में अर्थ में एक भी पेड़ नहीं बचेंगे। आप सोच के देखो कि इतने सालों की मेहनत के बाद भी अब तक हमें ऐसी कोई हैबिटेबल प्लैनेट नहीं मिला है जिसमें कि इंसान रह सके। उसके बावजूद इंसान अपने मदर अर्थ को जितना हो सके उतना एक्सप्लोइट करता जा रहा है। अगर इंसान आने वाले 5 सालों के अंदर ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करने के साथ पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करता है, तब ये एक ऐसा सिचुएशन होगा जब इंसान चाह के भी अपनी इंसानी प्रजाति और इस दुनिया के जीवन को बचा नहीं पाएगा। सो फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का, साथ साथ डिफोरेस्टेशन और पोल्यूशन कम करने का। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जाते जाते वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। थैंक यू।